अगली बात है, दरमियान की बात क्या है, स्पीड वेलोसिटी वाली, कौन सी वाली? तो मुझे लगता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे ना स्पीड की टाइप्स का डिस्कशन करना चाहिए, टाइप्स ऑफ स्पीड्स। क्या जनाब साहब? अगर मैं कहूँ जी मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीड होती है, किसी को एतराज है इस बात से कि मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्पीड होती है। अब स्पीड की अगर मैं टाइप्स पढ़ाऊं तो मैं एक तरफ कहूंगा जी कॉन्स्टेंट स्पीड और एक तरफ कहूंगा वेरिएबल स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड का अलग फॉर्मूला बताऊंगा और वेरिएबल स्पीड का अलग फॉर्मूला डेवलप। तो एक काम करें जनाब साहब, यहां जाके हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ स्पीड्स की। टाइप्स ऑफ स्पीड, जो वर्ड्स हैं मेरे पास स्पीड्स की दो टाइप्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पहला वर्ड है कॉन्स्टेंट स्पीड। समझना यार इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉन्स्टेंट स्पीड। और दूसरा वर्ड क्या है? वेरिएबल स्पीड। अब देखिएगा मैं और क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता हूं। कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए क्या मैं यूनिफॉर्म स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड? एक जैसी स्पीड। कपड़े, ये क्या कहते हैं, स्कूल के कपड़ों को क्यों कहते हैं? सबके एक जैसे होते हैं सबके कपड़े, इसलिए हम कपड़ों को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है? नहीं। अभी अभी मेरी क्लास में आपका यूनिफॉर्म, हर कोई अपनी अपनी मर्जी के कपड़े पहन कर आया हुआ है, तो इसलिए अपनी आपके कपड़े वेरिएबल क्लोथ्स। क्या है? स्कूल में जाओ ज्यादा क्या होता है? यूनिफॉर्म क्लोथ्स। तो एक जैसी स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एक और वर्ड भी है स्टेडी स्पीड। जैसे ना वो गाड़ियों में मोटरवे पे जाके वो क्रूज कंट्रोल का बटन दबा दें, क्या होता है, पर एक ही स्पीड पे गाड़ी चलती रहती है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर स्टेडी स्पीड, जिसके लिए आप ये कहेंगे कि सर जी स्पीड बदल नहीं रही, स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड एक जैसी है, या यूं समझें कि हर लम्हे में, मतलब मिसाल के तौर पर जो मैंने क्रूज कंट्रोल वाली मिसाल दी आपको, मोटरवे पे स्पीड लिमिट क्या होती है? 120 किलोमीटर पर आवर। तो आप अगर आपकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच जाती है, आप वहां पे कौन सा बटन दबा देते हैं? आप अगर क्रूज कंट्रोल ऑन कर देते हैं तो फिर आप एक्सेलेटर दबाएं ना दबाएं, ब्रेक दबाएं ना दबाएं, रिलैक्स करें, गाड़ी की स्पीड खुद ही क्या होगी? क्या मतलब होगा उसका? कि वो गाड़ी कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहेगी? एक ही स्पीड पर ट्रेवल करती रहेगी। वो स्पीड होगी क्या? 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर गाड़ी ने 10 घंटे उसी स्पीड पर ट्रेवल करना है तो हर घंटे में क्या ट्रेवल होगा? 120 किलोमीटर। लेकिन एक बात है, वैसे अगर मैं कहूं कि मुझे वो 120 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू किस में चाहिए? मुझे वो वैल्यू यू नो मीटर पर सेकंड में चाहिए। कैन यू प्लीज टेल मी वो वैल्यू मीटर पर सेकंड में क्या होगी? एनीवन प्लीज अपना कैलकुलेटर निकालिए। आई वांट दैट आंसर टू बी इन मीटर्स पर सेकंड। जो मोटरवे पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, मुझे उसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में चाहिए। कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000, नहीं मल्टीप्लाई बाय क्या, किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे इनटू 1000 ओवर क्या 3600, या यूं कर लें या कोई एक रटा भी डायरेक्ट मारा हमने 3.6 से डिवाइड कर दें, क्या आंसर आ रहा है? 33.3 मीटर पर सेकंड। चलो जी, अब आपने मुझे इसका मतलब बताना है। इफ आई से कि गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 33.3 मीटर पर सेकंड, व्हाट डज इट मीन? इन एवरी सेकंड इट विल ट्रेवल 33.3 मीटर्स। पहले सेकंड में भी 33.3 मीटर्स ट्रेवल होंगे, अगले सेकंड में भी 33.3 मीटर्स ट्रेवल होंगे, हर सेकंड में क्या होगा? 33.3 मीटर्स ट्रेवल होंगे। किसको मसला इस बात से? तो इफ आई से कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? दैट एन ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन एवरी सेकेंड ऑफ टाइम। क्या मैं कह सकता हूं ऐसा है? तो एक काम करो यार, जरा लिखो कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या स्टेडी स्पीड के नीचे लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, पहले वाले कॉलम में यस। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड if it travels what same amount of distance in every second of time, if it travels same amount of distance, if it travels same amount of distance in what, in every second of time, in every second of time, if it travels same amount of distance in every second of time, आप एंड पे जाके ब्रेक में लिखें I dot E के बाद लिखें क्रूज कंट्रोल सिचुएशन। दैट इज क्या, दैट इज क्रूज कंट्रोल इज स्विच्ड ऑन। आपने गाड़ी में क्या कर दिया, क्रूज कंट्रोल को स्विच ऑन कर दिया है। अच्छा, इस सिचुएशन में एक और छोटा सा सवाल है। इस मतलब देखें, कॉन्स्टेंट स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, स्टेडी स्पीड है, एक जैसी स्पीड है, स्पीड बदल ही नहीं रही, एक जैसी स्पीड। अच्छा, इसका मतलब यह, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि सर इन दिस केस इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड क्या होंगी, बराबर होंगी। इनके सिंबल्स क्या है वैसे, यू और वी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अगर यू और वी बराबर है तो एक सवाल है, चेंज इन स्पीड क्या होगा, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इन दिस केस, ये जो ये वाला केस है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में याद रखिए कि सर जी यू नो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड के बराबर है। अगली बात क्या लिख रहा हूं, चेंज इन स्पीड कितनी है, जीरो है, मतलब डेल्टा वी कितना है, जीरो है। अगर डेल्टा वी जीरो है चेंज इन स्पीड, तो व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, स्टेडी स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। ये कहते हैं ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। तो काम करें जी, यहां जाके लिखूंगा, इट मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेलरेटिंग। तो इट मींस ए इज इक्वल टू क्या, जीरो। लो जी, अब एक मसला हो गया कि अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्टेडी है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी डिस्टेंस ट्रेवल होती है हर सेकेंड में, इनिशियल फाइनल स्पीड बराबर हैं, चेंज इन स्पीड नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन नहीं हो रही, ए जीरो है, तो फिर सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा वाला, वी कैन ओनली अप्लाई, ओनली वन फॉर्मूला वुड अप्लाई, कौन सा, सीधा सीधा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ए वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं होगा, ए आई नहीं, ए जीरो है, तो जब एक चीज ही जीरो है तो उसको क्यों अप्लाई करें, उसका फॉर्मूला क्यों अप्लाई करें। आई बिलीव मैं इस कॉलम में लिखूंगा द ओनली फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, द ओनली फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन इज क्या, इज क्या जी, इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इज क्या, is speed is equal to, the only formula that can be applied in this situation is क्या जनाब साहब, मैं इसी कॉलम की अगली बातें कहां लिख रहा हूं, इधर आ जाइए, मैं उसी कॉलम के नीचे, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप नीचे रहते रहेंगे। The only formula that can be applied in this situation is what, यहां लिख देता हूं, is क्या, is speed is equals to, आप बेटा नीचे लिखेंगे distance over time, कोई मसला इस बात से, anyone symbols में बताएं, V is equals to d over t, किसी को मसला है, है जी। और अगर मैं कहूं मैंने d को सब्जेक्ट बनाना है, तो d is equals to क्या, V into t, तो in this situation ये जो d निकलता है कैसे निकलता है, सर जी ये d निकलता है कैसे, V multiply by t करके। तो जो constant speed वाली situation है,
उसका एंड रिजल्ट है मेरे पास ये कि जब सवाल में स्पीड कांस्टेंट होगी, जब सवाल में स्पीड क्या होगी कांस्टेंट होगी तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाला, और डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा स्पीड इनटू, किसको मसला है इस बात से, नहीं ना। अब आप कहेंगे सर ये आपने इतना बेसिक्स क्या पढ़ा दिए। अब आता हूं किस तरफ, इस वाले कॉलम की तरफ। इस वाले कॉलम में बात बताइए क्या लिखा आपने, वेरिएबल स्पीड, क्या मतलब है वेरिएबल का सर जी, कांस्टेंट की जगह वेरिएबल, यूनिफॉर्म का उल्टा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा एक और लफ्ज भी है जो अभी यहां कहते हैं चेंजिंग स्पीड, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, चेंजिंग स्पीड। अब ये चेंजिंग स्पीड क्या होती है, या इंक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब इसको उधर क्या एक जैसी स्पीड, यहां क्या लिखो बदलती हुई स्पीड, बदलती हुई स्पीड। अब उस बदलती हुई स्पीड का क्या सीन है सर जी, उस बदलती हुई स्पीड में या एक्सेलरेटिंग स्पीड है, मतलब या स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है, आई थिंक वो चेंजिंग का मतलब था, यहां जरा चेंजिंग होने करें, चेंजिंग के साथ ब्रैकेट में लिखे इंक्रीजिंग और या फिर डिक्रीजिंग स्पीड। खैर जो भी है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है एक सवाल है। इस सिचुएशन में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या अब हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, जैसे यहां आपने लिखा सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन एवरी सेकेंड, यहां क्या लिखेंगे आप है? ये लिखेंगे डिफरेंट अमाउंट ऑफ, देखें ना जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, जब आपकी स्पीड बढ़ रही है, मैं कहता हूं जी इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, फिर स्पीड हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, फिर स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर स्पीड हो गई 3, क्या मतलब इस बात का, जब स्पीड 0 थी मतलब 1 सेकेंड में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ, जब स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 1 मीटर, अगले ही सेकेंड में स्पीड क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब अगले सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 2 मीटर्स का, फिर अगर मैं कोई स्पीड ज्यादा होते 10 हो गई, कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डज इट मीन, अब 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल होंगे, अगर मैं कोई स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड तो क्या होगा, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर ट्रेवल होंगे, फिर मैं कोई स्पीड ज्यादा होते 30 हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, तो अब हर सेकेंड में क्या हो रहा है, सेम अमाउंट नहीं ट्रेवल हो रही, क्या हो रहा है डिफरेंट अमाउंट ट्रेवल हो रही है, अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगर डिक्रीजिंग स्पीड है तो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, बट जो भी है डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो मैं यहां एक जुमला लिखवाना चाहता हूं, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी, क्या जैसे उधर लिखा था लिख दे, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड If it travels what? If it travels उधर लिखा है क्या सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, इधर क्या लिखे डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, इफ इट ट्रेवल्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन एवरी सेकेंड ऑफ टाइम, इन एवरी सेकेंड ऑफ टाइम, इन एवरी सेकेंड ऑफ टाइम। अच्छा तो जब डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे तो यहां आपने कहा सर इनिशियल और फाइनल क्या होंगे बराबर, यहां इनिशियल और फाइनल क्या होगा, तो वो बराबर तो नहीं होंगे, क्या होंगे, अगर इंक्रीजिंग स्पीड हुई तो कौन ज्यादा होगा फाइनल स्पीड ज्यादा होगा, अगर डिक्रीजिंग स्पीड हो तो कौन ज्यादा होगा। आई थिंक मुझे यहां मजीद 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, इसके अंदर 2 कॉलम छोटे छोटे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्या करें इधर सुने दो, वेरिएबल वाले केस में एक तरफ क्या लिख दें, अगर हुई इंक्रीजिंग स्पीड, या इंक्रीजिंग स्पीड होगी या डिक्रीजिंग स्पीड होगी, आप ऐसे लिख दें अगर कवर नहीं हो रहा,
अब बताएं इंक्रीजिंग स्पीड में कौन बड़ा होगा, v बड़ा होगा या u बड़ा होगा? टेल मी, इनिशियल इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड में किसके ऊपर मैं वो लगाऊं ग्रेटर वाला सिंबल? अगर इंक्रीजिंग स्पीड है मतलब ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग है, कौन बड़ा है? फाइनल स्पीड बड़ी है। क्या बड़ा है जी? फाइनल स्पीड बड़ी है। अच्छा, डिक्रीजिंग स्पीड में कौन बड़ा होगा? इनिशियल या फाइनल? प्लीज टेल मी, वहां कौन बड़ा होगा? आई थिंक वहां पे इनिशियल वाली वैल्यू बड़ी होगी, फाइनल वाली वैल्यू छोटी होगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना यार? कॉमन सेंस। और ये तो सारा मैंने किसी ना किसी जगह पढ़ाया हो। असल में मैं वो फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूं तो मैंने पागल हूं थोड़ा सा, बहुत ही बेसिक से रिवाइज करना स्टार्ट कर दी है। हालांकि सब पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन अब मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि जब मैं कल पूछूं तो आप मुझे फॉर्मूला में कुछ भी गलती कुछ भी गड़बड़ी मत करें। यहां बताएं दिस इज यू, दिस इज वी, यू इज लेसर देन वी, तो इसको क्या बोलूं? डेल्टा यू का जवाब क्या आएगा वैसे? प्लीज टेल मी, इन दिस केस अगर फाइनल वेलोसिटी बड़ी है तो मैं जब v माइनस यू करूंगा तो जवाब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब डेल्टा v का जवाब क्या आएगा? तो फिर a भी क्या होगा? a भी पॉजिटिव आएगा। ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एक्सेलरेटिंग। इधर लिखें जी, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अच्छा, यहां आ जाए, अगर मैं यहां सिंबल ये लिखूं u इज ग्रेटर देन v, तो फिर डेल्टा v का आंसर क्या होगा? इस केस में डेल्टा v मतलब v माइनस यू पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? आई थिंक नेगेटिव आएगा। तो फिर उस वजह से a भी क्या आएगा? a भी नेगेटिव आएगा। इस वक्त ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी क्या? हाँ, अब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी डीसेलरेटिंग। कर ली बात आपने ये? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी? वहां जब इनिशियल स्पीड कम है फाइनल बड़ी है तो एक्सेलरेटिंग, जब इनिशियल बड़ी और फाइनल छोटी है तो डिसेलरेटिंग। इधर कितने फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं इस सिचुएशन में? आई थिंक सिर्फ एक नहीं बल्कि दो डिफरेंट फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। यहां तो आपने क्या कहा था, ओनली ओनली व्हाट, ओनली वन फॉर्मूला कैन अप्लाई, बट इन दिस केस आई बिलीव यहां पर दोनों बातों को ऐसे कवर करें, वाइंड अप करें। यहां पर इसके नीचे लिखें, उस वाले कॉलम में क्या लिखें? द ओनली फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड इज दिस इज दिस। यहां क्या लिखें? यहां लिखें टू फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन। प्लीज इस वाले कॉलम में जाएं और वहां क्या लिखें, पहले इस बात को वाइंड अप कर दें कि वेरिएबल स्पीड में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को या चेंजिंग स्पीड में बदलती हुई स्पीड में क्या होता है, या इंक्रीजिंग होती है, या इंक्रीजिंग स्पीड में ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है, एक्सेलरेटिंग। डिक्रीजिंग स्पीड में अल्टीमेट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग। यहां कुछ पूछना है आपने? सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, सीधी सीधी सी बात। मैं जो यहां से अगली बात बताने चाह रहा हूं, इसको बराबर करके क्या लिखूंगा इसके नीचे, क्या लिखा आपने? टू फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन। टू फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, बल्कि टू भी नहीं, देखता हूं मैं कितने फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, देखता हूं कितने फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आप इस सिचुएशन में अप्लाई करोगे वो कौन सा वाला है, एक्सेलरेटिंग या डिसेलरेटिंग? तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, एक्सेलरेशन वाला या डिसेलरेशन वाला? क्या है वो फॉर्मूला, क्या है वो फॉर्मूला प्लीज बताएंगे? सिंबल्स में लिखूं सीधा सीधा, A equals V minus U, आप नीचे लिखेंगे बच्चों प्लीज, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूं, आप नीचे जाते जाएं। पहले लिखें ये वाला फॉर्मूला, A equals क्या, V minus U over T। इसी फॉर्मूला में अगर T उधर ले जाएं, किसको सभ्य बनाओ? किसी को नहीं बनाना, ये ठीक है, वो सवाल की मर्जी होगी किसको सभ्य बनाना है, सवाल देख लेगा किसको सभ्य बनाना है, सवाल देख लेगा कि किसको सभ्य बनाना है। मैं जो अगली बात करना चाहता, देखिए मैं कंपैरिजन क्यों डेवलप कर रहा हूं, और से मेरी बात सुनिएगा। मैंने यहां डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है, क्या किया, मैं वहां पे भी एक डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। अब मैं वहां डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, और से सुनिए। आपने कहा टू फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, आई बिलीव आई शुड हैव रिटन फोर फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन, प्लीज टू को हटाएं फोर लिखें।
टू को काटें और फोर लिखें. फोर फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड इन दिस सिचुएशन. पहला क्या लिख दिए, पहले लिख दिया ए इक्वल्स वी माइनस यू ओवर टी. किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, इसको पहला कर दिया मैंने. अब इस सिचुएशन में जस्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है या इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होगा? एवरेज स्पीड का होगा ना. तो अब एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. दिस इज फॉर्मूला नंबर टू. हो सकता है कि नहीं? देखें यहां तो स्पीड ही कॉन्स्टेंट है, यहां तो सीधा सीधा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम. यहां तो एवरेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, वहां क्या कॉन्सेप्ट होगा? एवरेज का कॉन्सेप्ट होगा ना. क्यों? क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है, स्पीड बदल रही है. कभी स्पीड कम हो रही है, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है, स्पीड वेरिएबल है. तो यहां फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एवरेज स्पीड. दैट शुड बी क्या? या तो निकालें टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से, या फिर एक और काम भी हो सकता है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या? पहली वाली प्लस दूसरी वाली डिवाइड बाय टू. हेलो जी, दिस इज फॉर्मूला नंबर थ्री. जी तो बच्चों, क्या मैंने कहा जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले लगा दिए. एक क्या लगा दिया? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, प्लीज ध्यान दे दीजिए. एंड तीसरा क्या? u प्लस वी ओवर टू. व्हाट इज दिस u प्लस वी ओवर टू? प्लीज बेटा आप बताएं, व्हाट इज u? आपसे सवाल है जी. नहीं, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड. व्हाट इज v? फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी. ओवर टू क्यों किया है? दो चीजें ऐड करके डिवाइड बाय टू क्यों किया है? एवरेज निकालने का एक बड़ा ही कॉमन तरीका है कि मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि सर जी मैंने ना कल के दिन 6 घंटे काम किया है और मैंने आज के दिन 10 घंटे काम करना है. एक मिसाल दे रहा हूं, मैंने कल के दिन कितने घंटे काम किए? 6 घंटे. आज के दिन अगर मैं 10 घंटे काम करूंगा तो मेरी एवरेज काम कितना होगा? मैंने एवरेज क्या काम किया है? ऑन एन एवरेज मैंने काम ये किया, जब कल वाला और आज वाला क्या करो, ऐड कर दो, 6 + 10 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितने आ गए? 8 आ गए. एवरेज ऐसे निकालते हैं. बचपन से हम बहुत सारी चीजों में एवरेज ऐसे ही निकालते आए हैं कि जो दो चीजें होती थी उन दो चीजों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते थे. तो ये भी तो एवरेज ही आई ना. और ये भी क्या है? अब ये भी एवरेज, वो भी एवरेज, तो क्या करूं? जब दोनों चीजें एवरेज की हैं, ये वाला फॉर्मूला भी एवरेज स्पीड का है, ये वाला फॉर्मूला भी एवरेज स्पीड का है, तो क्या मतलब है इस बात का? सर जी इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं. अगर इन दोनों को आपस में आप इक्वल करें तो क्या फॉर्मूला बनता है? आई बिलीव, अब इनके सामने लिखते हैं कि इनके नीचे लिखते हैं. लिखना क्या है मैंने? लिखना ये है, अब इन दोनों को ऐसे कंबाइन करके कि सर जी इन दोनों में से आपने क्या निकाला है? इन दोनों में से आप नीचे निकाल रहे हैं कि आगे निकाल रहे हैं? मेरे पास आगे जगह है, आपके पास नीचे जगह होगी. क्या लिखूं? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या? यू प्लस वी ओवर क्या? ओवर टू. इस बात में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? अब इसमें मैं करूंगा क्या, मुझे असल में यह बताना था वहां डिस्टेंस निकालने के लिए वी इंटू टी, यहां डिस्टेंस निकालने के लिए. गौर से सुने क्या हो रहा है. सर जी अब ये टी वहां ले जाए. डिस्टेंस इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर टू इंटू क्या? इंटू क्या जी? इंटू दैट टाइम. हेलो, उस कॉलम में जब स्पीड कांस्टेंट थी तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्लीज इसको देखें बच्चों. यहां बताएं, यहां डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज जस्ट स्पीड इनटू टाइम. क्यों? बिकॉज़ देयर इज ओनली वन स्पीड, देयर इज ओनली. यहां डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? यू प्लस वी ओवर टू इनटू टाइम. वहां भी समथिंग इनटू टी है, यहां भी समथिंग इनटू टी है. वहां वो समथिंग क्या है? ओनली वन स्पीड इनटू टी. क्यों? उस पूरे सवाल में यू और वी क्या था? स्पीड्स कितनी थी? एक ही थी, कॉन्स्टेंट स्पीड थी, एक ही जैसी स्पीड थी. तो दैट स्पीड इनटू टी डिस्टेंस आ गया. यहां स्पीड के साथ क्या हो रहा है? कितनी स्पीड है सवाल में, कौन कौन सी? तो उसको पहले क्या कर लें? पहले उसका u प्लस v ओवर 2 करके एवरेज निकाल लें. एवरेज स्पीड इनटू क्या?
डू यू गेट दिस नाउ? बेसिकली ये भी क्या है, यहां से भी अगर आप एक स्टेप आगे जाते हैं तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, इट इज सम सॉर्ट ऑफ स्पीड, ये क्या है, दिस इज सम टाइम, तो ये वही नहीं है। लेकिन फर्क वो था क्या, कॉन्स्टेंट स्पीड, इसलिए जस्ट डी और जस्ट वी और जस्ट टी। लेकिन यहां क्या है, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज नॉट जस्ट टाइम, दिस इज पूरी सिचुएशन का टोटल टाइम, दिस नॉट जस्ट डिस्टेंस, पूरी सिचुएशन का बताना चाहता हूं, ये भी असल में वही है। लेकिन फर्क क्या था, उधर का डेटा कुछ और है, इधर का डेटा कुछ और है, वहां चल रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड, यहां क्या चल रहा है, यहां चल रहा है वेरिएबल स्पीड। तो कॉन्स्टेंट स्पीड के केस में अगर डिस्टेंस निकालना हो, कॉन्स्टेंट स्पीड के केस में अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो द ओनली फॉर्मूला दैट कैन बी अप्लाइड इज दिस वन, एक ही फॉर्मूला है। बट अगर वेरिएबल स्पीड के केस में डिस्टेंस निकालना हो, तो एक ये फॉर्मूला है, फिर एक ये फॉर्मूला है, फिर एक ये फॉर्मूला है, फिर इन दोनों को मिलाकर एक ये फॉर्मूला है, जो कि असल में क्या है, जो कि असल में वही फॉर्मूला है। किसी को मसला है इस बात से भाई, एनीवन? तो आई बिलीव ये वाला कॉलम कहां खत्म हुआ, डी इक्वल्स वी इंटू टी पर, ये वाला कॉलम बताए कहां खत्म हो रहा है। व्हाट इज दिस थिंग सर, है तो ये भी डी ही। व्हाट इज दिस थिंग सर, है तो ये भी वी, लेकिन ये कौन सा वी है, दिस इज एवरेज वी, ये क्या है सर, ये भी टी ही है। सो कहने का मतलब ये है, दिस इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर्मूला एज दैट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट। खैर सिचुएशन का फर्क है, और वो सिचुएशन का क्या फर्क है मैं आपको समझा चुका हूं। आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, एनीवन। मेरी तरफ से अब मुझे लगता है कि काइनेमैटिक्स की नोट्स में मैंने और कुछ भी नहीं लिखवाना, बहुत लिखवा दिया है, जितना लिखवाना था हद से ज्यादा लिखवा दिया है। अब आपकी बस वर्कशीटें ही हैं, उन्हीं वर्कशीटों को ही आपने फॉलो करना है। एक इससे पहले की वर्कशीट थी, एक अभी ये फ्री फॉल वाली है। इसमें देखते हैं किस सवाल पर जाना है हमने, क्वेश्चन नंबर 7 पर। उत्तर जी योर नेम प्लीज, आपका नाम क्या है, सारा पूरा सवाल दोबारा एक्सप्लेन करो, गलती मत करना, भी सोच के समझ के ध्यान से समझाना, आपके सामने सब कुछ है, आप बताएं क्या करूं, सवाल पढ़ें और समझाएं। बल्कि काम करता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ पूछता हूं आपसे, ठीक है। यू ड्रॉप अ रॉक ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग टॉप ड्रॉप, ठीक है। व्हेन यू ड्रॉप दिस रॉक ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इट्स इनिशियल स्पीड, 0। व्हाट विल हैपन टू इट्स स्पीड एज इट मूव्स डाउनवर्ड, इट विल इंक्रीज, इट मीन स्पीड इज इट विल द स्पीड बी कॉन्स्टेंट, नो, इट विल बी इंक्रीजिंग। इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग देन यू नो अपने इसके पार्ट ए में, और इसकी स्पीड के इंक्रीज होने का रेट क्या है, स्पीड के इंक्रीज होने का रेट क्या है, इसको के में क्या पूछ रहा हूं उनसे, एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, स्पीड के इंक्रीज होने का रेट उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज एक्सेलरेशन। कितनी है, 10, क्या 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। इसका मतलब हर सेकंड बाद क्या होगा, हर सेकंड बाद क्या होगा, स्पीड में इजाफा होगा, कितना, 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। अगर मैं कहूं 0 सेकंड पर स्पीड है, 0, तो 1 सेकंड पर स्पीड क्या होगी, तो 2 सेकंड पर स्पीड क्या होगी, पहले सेकंड में भी स्पीड 10, दूसरे सेकंड में भी स्पीड 10, स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर मैं तो स्पीड पूछ रहा हूं, पहले सेकंड पर स्पीड 10 हो गई, तो एक और सेकंड बाद स्पीड 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, फिर एक और सेकंड बाद स्पीड, नहीं समझ आ रहा, फोकस नहीं कर रही हूं, जाग नहीं रही हूं मैं तो, मेरा काम ही है बंदे जगाना, ठीक है, मैं बंदे का फोकस इंप्रूव करता हूं, प्लीज जवाब सही दीजिए, मैं थोड़ा डांटता भी होता हूं, ठीक है। तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आपने ड्रॉप किया, आपने अगर उसको ड्रॉप किया है तो स्पीड क्या हुई, इनिशियल स्पीड थी 0, एक सेकंड बाद फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद क्या हो जाएगी, मेरा एक सवाल है 6th सेकंड पर क्या हो जाएगी, या तो ओरली निकाल लें या फिर क्या करें, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा,
मैंने आपसे ओरली पूछ लिया, आप कहें सर वो फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करें, जवाब क्या निकलता है जी, 60 निकल गया। तुम्हारी सिचुएशन सवाल की क्या थी, गौर से सुनिए, यहां से आपने ड्रॉप किया था, यहां स्पीड क्या थी जीरो, यहां टाइम क्या था जीरो, यहां ही नीचे जाएगा, ए इक्वल टू जी इक्वल टू क्या होता है सारा प्लस 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां टाइम क्या हो रहा है 6 सेकेंड हो रहे हैं, तो यहां स्पीड क्या हो रही होगी, या तो ओरली निकाल लो वो सर एक के बाद 10 होगी तो 2 के बाद 20 होगी तो 3 के बाद 30 होगी, तो या उस तरह निकालो, या फिर क्या करो ए इक्वल्स इस फॉर्मूला में टी उधर ले जाओ, ए टी इक्वल्स फिर यू उधर ले जाओ, यू प्लस ए टी इक्वल्स वी, अब वैल्यूज पुट करो, यू की जगह 0, ए की जगह 10, टाइम की जगह 6, तो क्या आंसर आता है 60 आ गया। दिस वॉज पार्ट ए, क्या निकाल लिया आपने यहां पे, आपने कहा सर जी यहां पर आंसर क्या आ जाता है, ये आपने पार्ट ए में आंसर निकाल लिया, कोई मसला इस बात से। अब सवाल वाला क्या कहता है, अब सवाल वाला कहता है पार्ट बी में जाए, हाउ टॉल इज द बिल्डिंग, क्या पूछ रहा है वो, हाइट पूछ रहा है या डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कैसे निकालूं, हाइट बोले या डिस्टेंस कैसे निकालूं, क्या वो वाला फॉर्मूला लगाऊं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लास्ट वाला लगाएं क्यों, तो डिस्टेंस निकालने का तो वो फॉर्मूला भी है, हाँ स्पीड कांस्टेंट होती तो सीधा सीधा कह देता क्या डी इक्वल टू वी इनटू टी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो क्या लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। इस फॉर्मूला में क्या चल रहा है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, आई बिलीव डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, यू प्लस, अब बोलता मैं नोट्स में, अब सवाल में कैसे लिखूंगा, अब मैं सवाल में कहूंगा सर जी डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वी इंटू टी ही होता है, मैं तो यही लगाऊंगा, लेकिन अब वी कौन सा होगा सर जी, वी फिर एक तो है ही नहीं, वी तो दो है, एक इनिशियल वी और एक इनिशियल वाला जीरो है, फाइनल वाला 60 है, तो कौन सा लगाऊं, या तो दिमाग में रखें सर जी 30 लगाएं, या दिमाग में कर लें, या करें नहीं सर वी पता कौन सा होना चाहिए, सर जी वी होना चाहिए एवरेज वाला, अच्छा अभी एवरेज वाला वी कैसे आता है, सर जी कितनी वैल्यूज हैं, दो, दोनों को सर ऐड करें, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, इनटू टी करें, डू यू गेट दिस, व्हाट इज यू नाउ 0, व्हाट इज वी नाउ 60, व्हाट इज 2, दिस इज 2, व्हाट इज टाइम, टाइम इज 6, व्हाट इज द आंसर 180 मीटर इज द डिस्टेंस और द हाइट, ठीक है जनाब साहब, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आपके साथ जो बैठी हैं सो रहे हैं, जगा दें जगा दें जगा दें, हेल्प हिम आउट थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा प्यारा मेरा बच्चा मुन्ना काका हीरो हेलो अस्सलामुअलैकुम बहशान अख्तर दी मुबारक शाह हैं बहशान, उठो बेटा क्यों सो रहे हो, सर में दर्द है, हैं जाओ थोड़ा मुँह हाथ धो कराओ, पानी शानी पी कराओ, बाहर से घूम फिर कराओ, हैं तू किधर सो रहा है भाई, इसीलिए उस निकम्मी रो में नहीं बिठाता किसी को मैं, या आखिर में ना कोई नौसत है, ठीक है, या जो जाता है या उसको बातें करनी होती हैं, शरीफ आदमी है वहां चला गया तो बातें नहीं करा सो गया, ठीक है कुछ ना कुछ मसला है वहां पे जी भैया तुसी ठीक हो जी, फातिह ठीक हो, अच्छा जी भाई जान मुज़फ़्फ़र हालात ठीक है, बंदा भी ठीक है, तू है उधर ना बंदे ठीक नहीं होते, उधर जाता है ना बंदे को कुछ हो जाता है, कोशिश किया करो आगे कहीं बैठा करो, ठीक है जगह ना मिले तो हाँ पीछे चले जाया करो, नहीं नहीं पहले मेरा सवाल क्लियर करें जनाब साहब, अभी तो मेरा सवाल है, अभी मेरा सवाल है, अभी तक मैंने वो जवाब के चक्कर में आधा घंटा लगा दिया है, क्योंकि मुझे एक फीलिंग आ गई जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे तो मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, मुझे इनिशियली खुद पर गुस्सा आ गया कि मैंने अपने दिमाग में मेरे सोचा यार ये मैंने नोट्स में तो नहीं लिखवाया इनको, ये तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दिया था मैंने, अब पता नहीं कल इनको समझ आया कि नहीं आया, कल तो वैसे ही मैं किसी परेशानी में था, कोशिश मैंने की कल पूरी कि मैं क्लास ले सकूं, क्लास ली भी मैंने, ठीक है, लेकिन होता ना दिल दिमाग में कुछ ना कुछ और ख्वाब ख्याल होते हैं, तो मैंने अपने कल के लेक्चर को आज इम्प्रूव करने की कोशिश की है, मैंने कहा जनाब साहब एक काम करो कॉपियाँ शॉपियाँ निकालो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, जब तक मैं उसको ठीक करके नहीं पढ़ाता अब तक मैं सवाल नहीं पूछूंगा, अब मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है अब मेरा सवाल पूछना बनता है, मुझे प्लीज बताइए उमर मर्चेंट साहब जाग के बैठिए आप भी, आपको पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ,
हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी, डिस्टेंस निकाला था, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? अब उठाइए किसकी एवरेज, क्यों उनकी एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? डिस्टेंस का तो ये फॉर्मूला लिखा है डी इक्वल्स वी इनटू टी, ये फॉर्मूला गलत है? इधर देखो अमर, ये वाला फॉर्मूला गलत है, डी इक्वल्स वी इनटू टी, वो कांस्टेंट किस चीज का है? जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगी तो वी एक ही होगा, लेकिन अगर वी या यू दो हुए तो कैसे लें एवरेज? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें और उसको इनटू टी कर दें। खैर ठीक हो गया, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला निकाला कहां से है? इसकी बैकग्राउंड कहां से डेवलप की मैंने? यहां से। क्या लिखा है कि सर एक होता है एवरेज निकालने का ये वाला फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एक होता है एवरेज का वाला फॉर्मूला। जब दोनों फॉर्मूले एवरेज के हैं तो क्या किया जाना चाहिए? दोनों को पकड़कर इक्वेट कर देना चाहिए। जब दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो देयर यू गो, यहां से आपको जो अननोन होगा वो निकाल ले। मैंने कहा जी डिस्टेंस अननोन है तो टी उधर चला गया, और फिर मुझे ख्याल आया यार ये तो वैसे ही है जैसा पहले था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है? वहां देयर इज ओनली वन स्पीड, देयर इज ओनली दैट कांस्टेंट स्पीड, तो उसको इनटू टाइम कर दिया। यहां क्या हो रहा है? देयर वर टू स्पीड्स, दिस इज वेरिएबल स्पीड, दिस इज इंक्रीजिंग स्पीड। तो यहां क्या होगा, जब स्पीड की दो वैल्यूज होंगी तो उनका क्या करेंगे? एवरेज लेके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूं मैं समझा चुका हूं। यहां से आगे आप सवाल पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन पिछले तीन चार दिनों से एब्सेंट है, एक दिन से एब्सेंट है। वो कहते सर ये 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का मतलब क्या है? समझाया तो पुत्र मैंने बड़ा करारा करके था, जरा मैं उनसे पूछता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं इनमें से किसी से पूछना चाहता हूँ। उनका सवाल है सर यार ये 10 मीटर पर स्क्वेयर ये क्या है, ये एस पे स्क्वेयर क्यों आ गया है? एनीवन प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। हाथ खड़ा करेंगे जी, जी कोशिश करो। 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, तो कहते हैं सर इसका मतलब पता क्या है? वो इसका मतलब ये निकाल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। जी क्या मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड का? कि स्पीड विल इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। तो जैसे वो ओरली कर रहा था कि 0 सेकेंड पर स्पीड इज 0, 1 सेकेंड पर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पर स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, या 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, तो उसको क्या बोलूं? 10 मीटर पर स्क्वेयर्ड सेकेंड। खैर बहरहाल जो भी है, और कोई सवाल जनाब साहब? एनीवन? नो? आगे चलें जी। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 का बी जो है वो हमें काफी कुछ समझा गया है। मैंने कल समझाया था, आई थॉट इसमें प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ। आज मुझे लगा जी सूत्रा पढ़ाना चाहिए था, इतना वर्कशीट में बस एक फॉर्मूला लिखकर बच्चा उसको दिल दिमाग में अब्सॉर्ब नहीं करेगा। नोट्स में लिखवा दिया है, अब दिल दिमाग में अब्सॉर्ब होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 8 जनाब साहब, अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर, उसी जैसा है शायद, पढ़ेंगे। सारा आपके साथ मिनाहिल बैठी हैं, मिनाहिल आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें और समझाएं। देखते हैं जी सवाल में क्या क्या डेटा है और क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या हमने निकालना है। सुने जरा गौर से। यू ड्रॉप अ रॉक ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। वंस अगेन दिस इज दैट टॉल बिल्डिंग, यहां टॉप से आपने ड्रॉप अ रॉक ऑफ द टॉप ऑफ अ 500 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसकी हाइट कितनी है? ओके आगे इसका यू कितना है? यू कितना है? 0। यू ड्रॉप इट तो इट विल मूव किधर? नीचे। तो ए इक्वल टू जी इक्वल टू क्या होता है? प्लस 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। सवाल क्या है? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब
यहां टाइम जीरो है तो यहां टाइम क्या होगा? इट टेक्स टू हिट द ग्राउंड इफ इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ क्या? इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है मैं सवाल तीन तरीकों से निकाल सकता हूं। जी मनाहिल, आप मुझे को पहला तरीका बता दें, मुझे वहां पे टाइम चाहिए। किस तरीके से? ये वाला कौन से वाला? मुंह से बोले वाली। हाँ, फॉर्मूला लिखवाना चाह रही है? कौन सा फॉर्मूला लिखूं? बस बताओ फॉर्मूला कौन सा लिखूं? पिंक वाला नहीं, मुझे बोलो लिखना क्या है। मुझे नहीं पता, जिसको आप पिंक पुंक कह रही हो ना, वो मुझे बता दो किसको कह रही हो। इसको कह रही हूं, ठीक है ओके। ये क्यों लगवा रही हो? टोटल टाइम अननोन है। डू यू नो यू, डू यू नो वी, 100, डू यू नो डी, 500, ओके 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 ओके, ठीक है जी। वो कहते हैं सर जी आई थिंक तीन काम हो सकते हैं। सही, आपने सही बोला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही फॉर्मूला लगेगा। पहले मैंने कहा जी मैं मेंटल मैथ से कर सकता हूं। मेरा मेंटल मैथ क्या कहता है? यहां टाइम, यहां स्पीड जीरो, यहां स्पीड 100 है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे एक सेकंड बाद स्पीड 10 हो जाएगी, फिर एक और सेकंड बाद, फिर तो स्पीड को जीरो से 100 तक होने में टाइम कितना लगेगा? 10 सेकेंड लगेंगे। दिस इज सम मेंटल मैथ्स, ठीक है। अब एक हो गया मेंटल मैथ्स, अगला जाता हूं मैं एक्सेलरेशन के सबसे पहले फॉर्मूले पर। वहां से क्या निकलेगा? आई थिंक मैं यहां पे तीन काम करूंगा, लेकिन पहले मेंटल मैथ्स क्या कहती है? सिंस स्पीड इंक्रीजेस बाय व्हाट? By 10 meter per second in every second, since speed increases by 10 meter per second in every second, so what? So it will take 10 seconds for the speed to reach 100 meters per second. So it will take kitne seconds? 10 seconds to reach what? Reach a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेंटल मैथ्स। किसी के पास प्रॉब्लम है इस बात से? ओके, अब मैं चलता हूं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। मेथड नंबर टू, ए इक्वल्स वी माइनस यू ओवर टी। ये फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूं। क्या अननोन है? टी उधर ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर टी उधर ले जाऊं तो फिर ए को किधर लेके जाऊं? ए को उधर ले आता हूं। टी इक्वल्स क्या? v माइनस यू ओवर ए। व्हाट इज v नाउ? 100। व्हाट इज u? 0। व्हाट इज a? 10। व्हाट इज द आंसर? इट इज 10 सेकेंड्स। तो यहां से भी 10 आंसर आ गया, उधर उधर 10 सेकेंड। अच्छा, अब तीसरा जो आप मुझे कह रही हैं, कौन सा वाला? वो एवरेज स्पीड के दो फार्मूलों वाला। आई थिंक उसमें मैं क्या करूं जी? ये लिखूंगा पहले, ये बेसिक फार्मूला है, यहां से ये बनता है, यहां से। तीसरा क्या है जी? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या? यू प्लस वी ओवर टू। ओके, इसमें अननोन कौन है? अगर मैं टी को सब्जेक्ट बनाने से बेहतर मैं सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर लूं, एंड पे सब्जेक्ट बना लूंगा। ये एक और मैथ्स पूछूं आपसे, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो इधर भी क्या कर दूं? ऐसी मैथ पढ़ी है, इधर रेसिप्रोकल करो तो उधर भी कर दो। जो मसला तो नहीं इस बात से, अगर मैं कहूं जी मैं टी ऊपर और डी नीचे करना चाहता हूं तो यहां क्या करें? सर टू ऊपर कर दें और यू प्लस वी नीचे कर दें। किसी को मसला तो नहीं है भाई? ठीक है, मुझे लगता है मैंने ऐसी मैथ सीखी हुई है कि मैं उधर ऊपर नीचे कर दूं तो इधर भी ऊपर नीचे कर दें, जिसको समटाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। सर इसको उधर ले जाऊं, उसको उधर ले जाऊं, हैं? अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, उसको उधर ले आऊं, इसको उधर ले जाऊं, उसको उधर ले आऊं, तो भी यही बनेगा। बच्चों ये मैथ तो नहीं पढ़ानी। अच्छा, अब क्या करूं? टोटल ये डी यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाकर, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टू ओवर यू प्लस वी इनटू क्या?
put the values 2 over. What is u? What is v? 100. What is d? 500. कैलकुलेटर है आपके पास? आंसर बताएं. इधर से भी 10 सेकंड आ रहे. तो इसका मतलब क्या करें जनाब साहब? मेंटल मैथ से करें तब भी 10 सेकंड आए. आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करके करें तब भी 10 सेकंड आए. आप ये वाला, क्योंकि सिचुएशन कौन सी चल रही है? वेरिएबल स्पीड की सिचुएशन है ना. तो आपने क्या कहा था? वेरिएबल स्पीड में, यू रिमेंबर मैंने इनिशियली क्या क्या दिया? टू फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड. ठीक है, वो तो मैंने बाद में कहा जी चार होंगे, लेकिन असल में दो ही हैं. असल में दो कौन से हैं? एक वो a equals v minus u over t वाला है, और दूसरा ये मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिए कि वो असल में अलग अलग थे, अल्टीमेटली मैंने दोनों को मिलाकर एक कर दिया. तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इन पे क्या कहूंगा, ओनली टू फॉर्मूलास कैन बी अप्लाइड, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो दो फॉर्मूलास अप्लाई किए. आप ए वाले से निकालें तब भी 10 सेकंड्स, आप इस वाले से निकालें तब भी 10 सेकंड्स, आप जो है वो मेंटल मैथ से निकालें तब भी. आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ आ गया होगा. किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन जी, ऊंचा बोलेंगे. तो वहां जो भी है वो तो असल में मैथ्स है ना. क्या आप बाद में सब्जेक्ट बनाते हैं टी को या शुरू में सब्जेक्ट बनाते हैं टी को? मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले टी को सब्जेक्ट बनाया फिर वैल्यूज पुट किए. आपने क्या किया होगा? आपने वैल्यूज पुट कर दी होंगी. एंड पे टी को क्या किया होगा? एंड पे भी तो टी को सब्जेक्ट बनाना है ना. जो यहां आंसर आया उसको उठाकर वहां डिवाइड किया कि नहीं किया? तो टी सब्जेक्ट तो बना है. अब पहले बना है या वो तो अब मैथ्स है, उसकी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, बहरहाल बहरहाल आई बिलीव ये आपका पहले जो आई थिंक मुझे 13 सवाल मुकम्मल करने हैं. टोटल कितने? 32. मुझे ना फर्स्ट 13 क्वेश्चंस तक जाना है, क्योंकि असल में वो वर्कशीट नंबर 1 थी, उसके बाद वाले अलग वर्कशीट है, उसके लिए हमने अलग से वो आप उसका फॉन्ट देख सकते हैं, फॉन्ट इज डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को प्रॉब्लम है? क्या आंसर? आप 4 क्वाड्रेंट करें, उसके ऊपर यू लिखें. उधर यू लिखने के बाद क्या लिखें? इट हिट्स द ग्राउंड गोइंग एट 35 मीटर्स पर सेकेंड. उसने जमीन को कितनी स्पीड से हिट किया? 35 से. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड? हाउ लॉन्ग, ये डिस्टेंस है कि टाइम है? टाइम वाला है. हाउ फार क्या होता? हाउ लॉन्ग क्या है? आई थिंक दिस इज टाइम. टाइम निकालना है. कौन सी इक्वेशन लगी? वो ए इक्वल वाली. ए इक्वल्स क्या? वी माइनस यू ओवर T वाली. V माइनस यू ओवर T वाली लगाएंगे. इस पर क्या निकलता है? 3.1 सेकेंड. किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें. एनीवन? ओके, इसी सवाल में क्वेश्चन 10 में बताएं जी द व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. इसमें भी करें क्वेश्चन 10 के पार्ट आगे जाए बी में जाएगा ना. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड? उसके आगे लिखें हाउ क्या लिखना है? What is the height of the building? What is the height of the building? Question 10 का part B बनाएं. What is the height of the building? What is the height of the building? Please tell me, क्या करूं? Height of the building के लिए क्या formula लगाएं? ये वाला ना, चूंकि speed बदल रही है, speeds बदल रही हैं, तो height क्या हो जाएगी? बदल रही होगी. बताएं जनाब साहब, What is u in this case? U is 4 plus what is V in this case? 35 over क्या? Over 2. What was the time taken to reach the ground? 3.1. So what is the height or the distance traveled? Calculate करें जी. हाँ जी, 60.45. They say it is 60.45 meter. 60.45 मीटर. 60.45 मीटर. यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं जी. एनीवन? आई थिंक यहां पे जाके मेरे फिजिक्स का लेक्चर जो है वो खत्म पजीर होता है.